अच्छा, तो ये जो प्रोडक्ट है फिलहाल जो पेंट है अभी फर्स्ट टाइम नजरान में एंट्री हुआ है इसका? या ये हम अभी 2-3 महीने पहले ये पेंट लेके आए हैं। अच्छा, तो आप लोग का नहीं मिला? हम लोग को एक हिंदी बंगाली को मिला, नहीं मिले बेशक। अभी फिलहाल ना मैं पहुंचा हूं एक बहुत बड़ा मैरिज हॉल है, तो वहां पे पहुंचा हूं और जो जोतन पेंट कंपनी है ना, यहाँ पे कुछ पार्टी या कुछ पेंट का कुछ ऑर्डर आया है क्या, या कुछ डिजाइन वगैरह आया है। मुझे फ़ोन कर लिया 2 दिन पहले ही मैसेज आ गया था, तो खैर लोकेशन अभी मिला मुझे, तो मैं पहुँचा हूँ यहाँ पर। और देखो भाई साहब, बड़ी कंपनी है ना, तो बड़ी कंपनी का भी बात ही कुछ और है। इतने बड़े मैरिज हॉल में ना इन्होंने जो इंतज़ाम किया है, और फिलहाल लोग तो पहले से ही आ चुके हैं। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम, तो भाई साहब ये जो रिसेप्शन है ना, यहाँ पे नाम और अपना नंबर सबको नोट करवाना पड़ रहा है, और उसके बाद यहाँ से टोकन मिलता है। उसके बाद आप अंदर जाते हो और साथ में बैग और टी-शर्ट और कैप मिलता है। तो फिलहाल यहाँ पे अपना नाम लिखवाते हैं और उसके बाद टोकन लेते हैं और चलते हैं बैग की तरफ। कैसे हो भाई साहब? हाँ हिंदी हिंदी। क्या दे रहे हो? किससे किससे खलास? हाँ, तो भाई साहब मेरे से पहले इतने पेंटर लोग आके ऑलरेडी बैठ चुके हैं, और सबके हाथ में आप देख सकते हो बैग है, टोपी है और टी शर्ट साथ साथ में, और यहाँ पे जो प्रोजेक्टर भी लगा हुआ है। A few moments later. फिलहाल मुझे आना नहीं था, मैं तो रिटर्न जा रहा था, लेकिन वो जो जिसने मुझे इनवाइट किया था यहाँ पे उसको कॉल किया, वो बोला नहीं इधर रुकना है तुमको, जाना नहीं है। फिलहाल वापस से आया तो ये टी शर्ट कैप और बैग है। अभी फिलहाल जो नंबर मुझे मिला था वो तो नंबर खैर इन लोगों ने ले लिया है, लेकिन उसके बाद क्या होगा मुझे खैर पता नहीं है। खैर यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ेगा। तो भाई सब जो प्रोजेक्टर के माध्यम से ना जो नया पेंट आया है उसके बारे में लोग जानकारी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि पेंट को जैसे यूज कैसे करना है, उससे प्रॉफिट क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा उसके बारे में। और यहाँ पे जो सेकंड में आप ट्रिक देख रहे हैं ना, वो पेंट आया है जो नया वाला जो है, और नोवो नाम से है उसका पेंट का नाम। तो बाकी देखते हैं और आगे क्या क्या दिखाते हैं लोग। انا مش واخدين حاجه، في مسافه فاضيه اللي ما يشوفها شوف نسبك 65 ثانيه। तो भाई साहब ये आदमी को ना लग रहा था कि पूरा बैग वैग लेके एक साथ में बाहर निकल जाएगा, लेकिन इसको पता नहीं कि बाहर बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं जो अंदर आने के लिए, और जो भी अंदर आ रहा है भाई उसको कैब बैग और टी शर्ट मिल ही रहा है। तो ये सबका लेके गया था गाड़ी में रखने के लिए, लेकिन वहीं गेट से ही इसको वापस कर दिए लोग। वैसे जो भी पेंट के बारे में इनको जानकारी देना था तो जानकारी पूरा इन लोगों ने दे दी है। अभी फिलहाल लकी ड्रा का टाइम है, इसमें जो भी टोकन मिला था स्टार्टिंग में जहाँ पे नंबर और नाम लिख के आना था जिस रजिस्टर में, तो जिन जिन को टोकन मिला था सबको मिला था। फिलहाल मुझे भी मिला था, मैं तो रिटर्न कर दिया था, लेकिन जिन जिनको नंबर मिला उसका लकी ड्रा नंबर इधर ड्रॉ हो रहा है। तो जिसका भी नंबर आ रहा है उसको यहाँ से मोबाइल और एयरपॉड्स मिल रहा है। तो ऐसे में खैर मोबाइल लगभग 4-5 पीस भी है, और जो एयरबड्स है जो कान में छोटा ब्लूटूथ वो सबको थोड़ा मुमकिन लगभग 10 पीस आया होगा जो भी, यानी खैर 150 लोगों के बीच में लगभग यही 10 से 15 ड्रा होने वाला है। तो फिलहाल देखते हैं किसका किसका क्या आता है, और ज़्यादातर लोग किसी और का नंबर लेकर ना खड़े हो जा रहे हैं। खैर नंबर किसी और का बोला जा रहा है, ये सऊदी गया था ना तो खैर वो 24 नंबर ड्रा हुआ था, लेकिन उसका जो था ना वो 42 नंबर था। तो ऐसे में वो गया था वहाँ पे लेने के लिए, लेकिन उसको रिटर्न कर दिया गया, और जिसका जो 24 नंबर आया था तो उसको ये भेजा गया। तो ये अभी आदमी आया, इसको देखते हैं क्या मिला है। भाई साहब इसको लग रहा है ना कुछ स्पेशल चीज़ है, क्योंकि बैग के साथ में ना कुछ ज़्यादा ही खुश लग रहा है, लेकिन बैग के खाली सा लग रहा है। पर क्या है इसके अंदर देखते हैं। और छोटा वाला ब्लूटूथ इसको मिला है। तो भाई साहब इस बार लकी ड्रा में 114 नंबर निकला है, और 114 नंबर जो है हम आसिफ जो हमारे साथ में ज़्यादातर काम करता है तो उसका मिल गया, और मेरे बाद में बहुत बाद में आया, लेकिन उसको जो टोकन मिल गया था, मेरा टोकन तो खैर रिटर्न हो गया था, मेरा टोकन भी आ गया था इसमें। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मैंने टोकन जो वापस किया था वो 53 नंबर का था। 53 नंबर हालांकि इससे पहले ड्रा हो चुका है, उसके साथ में जो 53 नंबर जिसको भी मिला था ना उसको मिला है वो जो छोटा सा ब्लूटूथ एयरबड्स है। तो फिलहाल इसको भी एयरबड्स ही मिलने वाला है शायद लगभग। और बाकी एयर हम जो फ़ोन है ना और सबसे लास्ट में लोग देने वाले हैं। तो खैर जो भी है हम लेके आ रहा है, देखते हैं क्या ले है इसके हाथ में, क्या मिला है, फ़ोन मिला है या एयरबड्स मिला है। तो भाई साहब ऐसा चले ऐसे मौजूद ब्लूटूथ तो भाई साहब अभी तक जो खेल था ना वो लगभग ख़त्म हो चुका है, क्योंकि कुछ लोगों को ना मिल गया मोबाइल और एयरफोन। यहाँ पे जो आदमी है ना लगभग 150 से ज़्यादा हैं, और यहाँ पर मात्र यानी 15 लोगों को बस ये जो मिलने वाला था ना मोबाइल और एयरपोर्ट तो मिला है। अभी देखो काम खत्म हो गया तो ये पूरे सब निकल के भाग रहे हैं लोग, फायदा नहीं रोक के फायदा नहीं भाई, सब भाग रहे हैं। क्या बंदो कितना नंबर आया था, आपका नहीं मिला, आप लोग का नहीं मिला? हम लोग को एक हिंदी बंगाली को मिले, नहीं मिले जो ट्रैक्टर और मुजक्किर भाई हैं मिले हैं अभी इंडिया से। मुजक्किर नाम ना भाई? जी जी हाँ जी मुजक्किर भाई जो जोतन में ही खास करके जिद्दा से आए यहाँ पे ये जो चीज़ जानकारी देने के लिए, और बहुत सारे पेंटर लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं ये सब चीज़ जानकारी लेने के लिए कि यहाँ पे जो भी चीज़ आया है किस हिसाब से किया जाएगा। तो मुजक्किर भाई कुछ जानकारी देना चाहेंगे लोगों को कि ये क्या प्रोडक्ट आया था यहाँ पे, जैसा नया कुछ लॉन्च किया जोतन ने जो लोगों को बतलाने के लिए आए थे आप यहाँ पे। हम एक नई पेशकश लेके आए हैं जोतन की तरफ से और ये बाहर का पेंट है, एक्सटीरियर पेंट है। अच्छा। और ये है यहाँ एक बहुत रिवाज है टेक्सचर का। सऊदी अरब में अगर आप जाएंगे तो नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, तो सब जगह आप देखेंगे कि 90% से ज़्यादा घर जो है टेक्सचर लगा हुआ है। टेक्सचर, क्योंकि मैं भी जो काम कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा लोग टेक्सचर ही ज़्यादा यूज कर रहे हैं। इसमें ये जो टेक्सचर है ये खास करके स्प्रे से लगाने वाला टेक्सचर है। अच्छा जी। तो हमने इसमें एक ब्रेक थ्रू ये पाया है कि अमूमन जो टेक्सचर लगता है स्प्रे से उसका सिस्टम होता है 4 कोट में लगने वाला सिस्टम। हाँ। तो हमने इसको क्या किया है कि एक पहली चीज़ वो ये की कि इसको किस तरह से हम बेहतर बना सकते थे वक्त की कटौती के साथ में। तो हमने इसको 4 कोट के सिस्टम को 2 कोट में बनाया। तो आप एक ही प्रोडक्ट, पहले आप 3 प्रोडक्ट लगाते थे सेम फिनिश पाने के लिए, प्राइमर लगाते थे, स्प्रे टेक्सचर और टॉप कोट के 2 कोट लगाते थे रोलर से। हमने इसको क्या किया, एक ही प्रोडक्ट में इसको स्प्रे से लगाने के साथ साथ रोलर से लगाने के काबिल भी बनाया, और इसका नाम है ज्योतिषीन नोवो। ज्योतिषीन नोवो ये नाम पड़ा है पीछे, आप यहाँ देखें नोवो। अच्छा, ये रोलर से भी यूज होता है और तो इसलिए होगा कि जब आप रोलर से लगाएंगे इसको तो आप इसको पतला कर देंगे, पानी क्योंकि पानी का पेंट है, पानी मिक्स कर देंगे, रोलर से यूज करने लायक बनाना पड़ेगा। बस 40% आपने पानी इसमें डाल दिया, रोलर से लगाने के काबिल हो जाएगा। और जब स्प्रे से लगा रहे हो तो पानी मिक्स करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट उसको उसमें डालेंगे, हॉपर में डालेंगे और शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो ये जो प्रोडक्ट है फिलहाल जो पेंट है अभी फर्स्ट टाइम नजरान में एंट्री हुआ है इसका? ये हम अभी 2-3 महीने पहले ये पेंट लेके आए हैं। अच्छा। तो जैसे मैं आपको इसकी खसूसियत बता रहा था कि ये इसमें हमने जो वक्त है पेंटर के लिए ये सबसे ज़्यादा अहम क्या है कि आपका वक्त बचेगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा काम ले सकते हो, तो आपका ज़्यादा फायदा है इसके लिए। सही है। और खैर जो कस्टमर है उसके लिए भी खैर कटौती हो गया होगा रेट में भी, क्योंकि जहाँ पर 3 बाल्टी यूज करना होता था वहाँ पे एक ही बाल्टी में काम हो रहा है। हाँ, एक बाल्टी में काम हो रहा है। तो आप कटौती इस तरह से हो रहा है कि आपका जो एप्लीकेशन का कॉस्ट है आप उसको कम कर रहे हो। 4 कोट लगाते थे आप, और एक प्रोजेक्ट को ख़त्म करने के लिए आपको जहाँ 5 दिन लगता था तो ये 2 से 3 दिन में हो जाता है। क्या एरिया है इस बाल्टी का, कितना किलो आता है और क्या एरिया है? ये हम इसको 15 लीटर में बेचते हैं। तो अगर आप इसको रोलर से जब लगाएंगे तो ये 70 मीटर कवर कर देगा। हाँ, और जब आप स्प्रे से लगाएंगे तो तकरीबन 30 मीटर। अच्छा, रोलर से कितना कोट मारना पड़ता है अगर रोलर का यूज करते हैं? सिर्फ 1 ही कोट लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये थिक पेंट है। कवरिंग क्वालिटी इसका बेहतरीन है, बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। हाइडिंग कवरेज इसमें इसको हमने खास ध्यान दिया है कि ऐसा लगे जैसे कि फाइनल कोट लगता है। अच्छा, ये मेटेलिक है, ग्लॉसी है, कैसा है? ये बिल्कुल मैट पेंट है, क्योंकि यहाँ का जो ट्रेंड आप देख रहे हैं तो लोग अक्सर मैट पसंद करते हैं, तो हम इस पर मैट इसमें जो फिनिश लेके आए हैं वो मैट की फिनिश है, मैट फिनिश है पूरा। अगर लम्हा यानी इसमें लम्हा नहीं यूज कर सकता, लम्हा नहीं चाहिए तो पहले से ही ऑलरेडी बहुत सारा पेंट है जो जो लम्हा आपको दे सकता है। जी जी। इसमें एक और ख़ास बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जो इसको हर दूसरे पेंट से अलग कर देना है। इसकी जो ख़ास बात है वो ये है कि सबसे पहली बात आप जोटुन नोवो के साथ एक से ज़्यादा कलर आप दे सकते हैं। अच्छा, टेक्सचर के रूप में, टेक्सचर के रूप में आप इसमें दो कलर मिक्स कर सकते हो, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, एक बेस में कलर है और एक ऊपर कलर है, और दो से ज़्यादा तीन कलर भी दे सकते हो आप। जो वो शक्ल देता है आपको पत्थर की, मार्बल की, ग्रेनाइट की शक्ल देता है, तो ये कोई और पेंट में मुमकिन नहीं है, सिर्फ जोटुन नोवो में। एक बाल्टी में जैसे डार्कली मिक्स करके मार सकते हैं, कोटिंग के तरह जैसा कोटिंग करेंगे ना, तो एक पहले डार्क या कोई लाइट पेंट मारा, फिर उसके ऊपर दूसरा कलर मारते हैं। हाँ, दूसरा कलर लगेगा। और फिर से वही बात दोहराऊँगा कि आपको इसमें वक्त नहीं लगेगा, आपको जो पहला कलर है उसको सूखने का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। पहला कलर जब गीला रहेगा, वेट रहेगा, उसी पे दूसरा कलर भी आ जाएगा, तीसरा कलर भी आ जाएगा। और इसके पहले बेस मारना पड़ेगा ना एहसास प्राइमर के तौर पे? नहीं, ज़रूरत भी नहीं है, कुछ नहीं चाहिए। प्लास्टर का रेडी है, प्लास्टर हुआ है, प्लास्टर हुआ है, तो आप जोटुन नोवो को उसको पानी मिक्स करके पतला करके आप उसको एज ए कोटिंग कर सकते हैं प्राइमर के तौर पर, और उसके ऊपर इसी को फिनिश भी कर सकते हैं। बिल्कुल, चलिए जी, बहुत अच्छा जानकारी लगा, बहुत लोगों को इससे थोड़ा जानकारी हुआ, क्योंकि इंडियन और बंगाली पाकिस्तानी कुछ लोग हैं जो खैर अरबी नहीं जानते, लेकिन इस बारे में खैर हिंदी में जो भी बातचीत हुआ है बहुत लोगों को समझ में आएगा। जो जोटुन का है, क्या नाम है, नोवो, जोटुन नोवो, नोवो, तो आपका इसमें फ़ायदा है, और आप जोटुन नोवो लगाइए, ये कस्टमर के लिए भी फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा कलर की आप शक्ल दे सकते हो, नई नई खूबसूरत शक्ल दे सकते हो, और आपका फ़ायदा के वक्त और पेंट ये बचाता है। सही है, सही है, शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। स्टार्टिंग में तो मेरा मूड बहुत ज़्यादा अपसेट हो चुका था, लेकिन खैर एक इंडियन भी मिल गए, अच्छा लगा, उनसे बात करके भी कुछ जानकारी भी मिल गई, और फिलहाल जो भी है खैर ठीक ही था। और खैर ये बात के लिए ये बात थोड़ा गड़बड़ हो गया कि मेरा साथ वाले जो लोग थे पेंटर, उनको मैं लेके नहीं आ पाया, तो ऐसे में भाई सॉरी उसके लिए बाकी लोगों को।